युद्ध के बादल किसे कहते हैं ये तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, धुएं का गुबार उठ रहा है और उस सब के बीच आप अटैक हेलीकॉप्टर्स को इस समय अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। युद्ध की ये तस्वीरें जो हमारे सामने आ रही है, जनरल भाटिया की जैसे ही आवाज हमारे पास स्पष्ट आने लगेगी हम उनसे बात करेंगे। लेकिन जनरल अग्रवाल, यही सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ, नेटो इन अपने फोर्सेस की जो बात कर रहा है, क्या वो तैनाती के हिसाब से बात कर रहा है, ये डेटरेंट के तौर पर, यानी कि रूस आगे और न बढ़े, क्योंकि रूस तो किसी भी चीज से नहीं डर रहा। गुड इवनिंग अंजना एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं श्वेता हूं सर। अच्छा, आई एम सॉरी, गुड इवनिंग श्वेता। पहली बात ये है कि हमें नेटो के अंदर जो चल रहा है पिछले कुछ महीनों से वो समझ लेना चाहिए। नेटो ने पहले, फ्रांस और जर्मनी ने पहले ही, उनका मतभेद था कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप या नेटो का सदस्य बनाने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने एक तरीके से कहा कि अगर ये बात है तो कोई भी, अगर रशिया यूक्रेन में अगर कोई युद्ध हुआ तो वो कोई भी ट्रुप्स वहाँ पे लड़ाई में शामिल होने के लिए नहीं भेजेंगे। और उसके बाद ब्रिटेन और जो बाकी नेटो के सदस्य थे उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई यूक्रेन को मदद चाहेगी तो हम उन्हें सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर, सिर्फ साजो सामान, हथियार देंगे, लेकिन हमारी जो जो सेनाएं हैं वो किसी ऐसे युद्ध में भाग नहीं लेंगी। तो एक तो ये पहलू है। तो ये इस पहलू के अगर उसमें कंटेक्स्ट में हम देखें कि अगर नेटो अब कहता है कि 100 जो फाइटर एयरक्राफ्ट पोजीशन करेगा और युद्धपोत वहाँ पे उस रीजन में भेजेगा तो वो सिर्फ डेटरेंट है, और डेटरेंट ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा करी कि हम इस जो वॉर में, इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और दूसरा पहलू है कि अगर हम देखें जो जो नंबर्स हैं, मिलिट्री नंबर्स हैं, जो साजो सामान हैं, हथियार हैं और एयरक्राफ्ट हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक इक्वेशन है तो रशिया के भारी सुपीरियरिटी है। अगर एयरक्राफ्ट देखें तो करीब 1:15 का रेशो है रशिया और यूक्रेन में। यूक्रेन के पास तकरीबन 100 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जबकि रशिया के पास उससे कहीं ज्यादा नंबर है। तो अगर 100 एयरक्राफ्ट और अगर पोजीशन कर भी दे नेटो तो वो इस युद्ध में कितना बड़ा फर्क डालेगा ये एक आप समझ ही सकते हैं। ये एक डिटरेंट ही हो सकता है क्योंकि जो नंबर्स हैं, जो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है वो रशिया के साथ है, बहुत बड़ी सुपीरियरिटी है। तो ये दो पहलू हैं जिसे हमें देखना पड़ेगा। और शायद ये नेटो ने जो रखा है वो एक डिटरेंट की तरफ से है, जिससे कि उनको टाइम मिले और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है, जो राजनीतिक सोल्यूशन एक ढूंढ सकें। नेटो की मीटिंग हो रही है, इमरजेंसी कमांडर जीजे सिंह, अगर वाकई ये सिर्फ डेटरेंट के तौर पर हम देखें तो जिस रूस पर इतने बड़े आर्थिक प्रतिबंध नहीं असर डाल पाए, क्या केवल कि हमारे पास 100 जहाज हैं, हमारे पास 120 युद्धपोत हैं, ये सारी चीजें उसे रोक पाएंगी अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने में? ये तस्वीरें यूक्रेन की हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहां पर युद्ध की, हमले की जो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं वो एक के बाद एक भयावह, क्योंकि युद्ध भूमि से अगर इस तरह से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर, हालांकि हम आपको बता दें यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने 7 रूसी विमानों को मार गिराया है, इनमें कुछ फाइटर जेट्स हैं और कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन इसके साथ ही 40 यूक्रेन के सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आई है और साथ ही नागरिकों को भी क्षति पहुंची है। 12 से अधिक नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बीच भारत की तरफ से भी एक बयान आया है, वहां से स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की मांग चल रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि जब तक एयर स्पेस बंद है तब तक स्टूडेंट्स को वहां से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जैसे ही एयर स्पेस खुलेगा विमान वहां पर भेज दिए जाएंगे।